नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंड पे। और आज हम बात करेंगे किसी प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम लोग किसी भी गिवन नंबर की डिजिट्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। यानी कि आज का हमारा जो ऑब्जेक्टिव है हमारे वीडियो ट्यूटोरियल का, वो है विद द हेल्प ऑफ सी प्रोग्राम वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ अ डिजिट्स ऑफ द गिवन नंबर। अब देखते हैं वो प्रोग्राम हम लोग कैसे करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर दे रहा हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h। उसके बाद ये देखिए मैंने मेन एंटर किया, अब मेन की बॉडी में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन कर लेते हैं इंट। हमने एक नम वेरिएबल ले लिया, नम हमारा वो नंबर है जिसकी डिजिट्स का सम हमें फाइंड करना है। एक टेम्प्रेरी वेरिएबल ले लेते हैं और एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसकी इनिशियल वैल्यू को हम जीरो डिक्लेयर कर देते हैं। अब सबसे पहले यूजर से हम लोग वैल्यू लेंगे, कि यूजर से को आस्क करेंगे कि यूजर हमें एक नंबर एंटर करके दे। ये देखिए एंटर अ नंबर। उसके बाद ये देखिए scanf परसेंटेज डी कॉमा एम परसेंट नाम, हम लोगों ने यूजर से नंबर एंटर करवा लिया है। उसके बाद हम लोग लूप स्टार्ट करते हैं, while num greater than zero। जब अब हम लोग वाइल लूप की बॉडी के अंदर आ गए हैं, यहाँ पर देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, temp is equals to num modulo 10, उसके बाद sum is equal to sum plus temp, और उसके बाद हम लाइन देंगे num is equal to num डिवाइडेड बाय 10। ये देखिए हम लोगों ने, अब हम लोग वाइल लूप से एग्जिट कर रहे हैं, हम लोग वापस मेन में आ गए अपने। और देखिए हम लोग क्या कराएंगे, एक स्टेटमेंट प्रिंट कराएंगे, स्टेटमेंट होगी ये देखिए द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर एज परसेंटेज डी, यानी कि इंटीजर वैल्यू कौन हमें डिस्प्ले कराएगा, जो हमने सम नाम का वेरिएबल लिया है वो डिस्प्ले कराएगा। उसके बाद ये देखिए रिटर्न जीरो। हम लोग का प्रोग्राम है, पूरा प्रोग्राम हम लोग लिख चुके हैं, अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। ये देखिए सेव किया, पूरा पार्ट ग्रीन हो गया। अब उससे पहले सबसे पहले हम बिल्ड करेंगे, देखते हैं अगर प्रोग्राम में कोई एरर्स हो तो हम उन्हें फाइंड आउट करें और उसको रिजॉल्व करें। तो देखिए मैं बिल्ड करता हूँ प्रोग्राम को। ये देखिए प्रोग्राम जीरो एरर और जीरो वार्निंग के साथ बिल्डअप हो चुका है। अब हम प्रोग्राम को रन करवा लेते हैं। देखिए रन करने के लिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा रन पे। ये देखिए आउटपुट स्क्रीन खुल के आई है। अब वो बोल रहा है हमें एक नंबर एंटर करने का, तो हम नंबर एंटर करते हैं। ये देखिए 317। और जब हम इनकी डिजिट्स का सम करेंगे तो हम इनको आंसर 11 मिलना चाहिए। तो देखते हैं हमारा प्रोग्राम डिजायर्ड आउटपुट दे रहा है कि नहीं। ये देखिए, अब ये देखिए द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर इज 11, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो एकदम सही चल रहा है। अब चलिए हम लोग मूव करते हैं कि प्रोग्राम का इंटरनल आर्किटेक्चर क्या है, प्रोग्राम हमारा बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है। तो चलिए दोस्तों अब वो जानते हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग सम ऑफ डिजिट ऑफ अ नंबर प्रोग्राम को एक बार ड्राई रन करते हैं, देखते हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर की इंटरनल वर्किंग कैसे हो रही है। तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल डिक्लेरेशन की बात कर लेते हैं। ये देखिए हम लोगों ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सबसे पहला नम हमारा वो नंबर जिसकी सम जिसके डिजिट्स का हमें सम चाहिए। उसके बाद हमने एक टेम्प्रेरी वेरिएबल टेम्प और एक वेरिएबल सम जिसकी वैल्यू को हमने इनिशियली जीरो रख रखा है। तो ये देखिए इन दो पार्ट में हमारा जो भी नंबर है वो यूज़र एंटर कर देगा, यूज़र अपने हिसाब से कोई भी नंबर एंटर करेगा। तो हमने प्रोग्राम जब रन कराया था तो हमने क्या लिया था, हमने नंबर लिया था 317। ये हमारा इनपुट है, हमें इसकी जो भी है डिजिट्स का सम आना चाहिए, यानी कि हम लोग को इसका आउटपुट कैसे दिखाना है, 3 + 1 + 7, यानी कि हमारा जो भी आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 11। तो चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम की वर्किंग और देखते हैं आउटपुट हमारा कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम लोग अपनी इस कंडीशन को चेक करेंगे, while num greater than 0। तो सबसे पहले
ये देखिए 317, जब हम चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि 317 0 से बड़ा है। उसके बाद हम अगली लाइन में जाएंगे, टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम मॉडुलो 10, यानी कि ये देखिए टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई, नम मॉडुलो 10, यानी कि 317 मॉडुलो ऑपरेटर 10, यानी कि हमें जो वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि ये हमेशा मॉडुलो ऑपरेटर रिमाइंडर देता है, तो हम लोग को 7 टेम्प की वैल्यू मिल जाएगी। अगला क्या है, अगले यानी सम इज इक्वल टू सम प्लस टेम्प। अब ये देखिए सम सम हम लोगों ने क्या ले रखा था, इनिशियली 0, यानी कि सम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस टेम्प की टेम्प्रेरी वेरिएबल टी की वैल्यू थी 7, यानी कि हमारी अब सम की वैल्यू कितनी हो चुकी है 0 प्लस 7 दैट इज 7। और उसके बाद क्या हो जाएगा, नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, और यानी कि अगली नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए नम की वैल्यू हो गई 317 डिवाइडेड बाय 10। जब हम इसे करेंगे तो केवल इंटीजर वैल्यू हमें मिल जाएगी, यानी कि नम की वैल्यू हो जाएगी अब 31। अब हम लोग की टेम्प की वैल्यूएबल 7, सम की भी वैल्यू 7 और नम की वैल्यू 31 आ गई है। अगेन वो चेक करेगा हमारा नम नेक्स्ट कितना है, ये देखिए 31, 31 जीरो से बड़ा है, ऑब्वियस बड़ा है, तो फिर से हम सेम वही काम करेंगे। ये देखिए टेम्प, सबसे पहले टेम्प की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेम्प की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 को हम मॉड करेंगे किसके साथ, 10 के साथ, तो हम लोग को आंसर मिल जाएगा, यानी कि जो भी रिमाइंडर होगा वो मिल जाएगा, यानी कि 1 हमारे पास। अब टेम्प की वैल्यू कितनी हो गई है 1, देन सम, ये देखिए सम इज इक्वल टू सम प्लस टेम्प। सम की पुरानी वैल्यू कितनी थी, प्रीवियस वैल्यू ये 7 थी, यानी कि 7 प्लस 1, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई, आ गई ये वैल्यू 8। उसके बाद अब अगली लाइन हम एग्जीक्यूट करेंगे, तब नम इज इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास एफ वैल्यू कितनी मिल जाएगी हम लोग को 3। देखिए हम लोग को ये वैल्यू भी मिल गई। अब हमारी नई वैल्यू कितनी हो गई है, टेम्प की वैल्यू 1, सम की वैल्यू 8 एंड नम की वैल्यू 3। अगेन हम लोग एग्जीक्यूट वापस एक बार अपना स्टेटमेंट चेक करेंगे लूप का, देखिए तो 3 है वो भी 0 से बड़ा है, तो फिर हम सेम वही काम करेंगे। देखिए टेम्प की वैल्यू, तो टेम्प की वैल्यू कितने करेंगे 3 मॉडुलो 10, देखिए 3 मॉडुलो ऑपरेटर के साथ, ये देखिए 10, तो हम लोग का आंसर कितना मिल जाएगा, तो अब हमारी सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सम सम की वैल्यू हमारी हो जाएगी सम की प्रीवियस वैल्यू प्लस दिस टेम्प्रेरी वैल्यू, यानी कि सम की प्रीवियस वैल्यू कितनी थी 8 प्लस टेम्प की वैल्यू कितनी है 3, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई हमारी 11। ये देखिए सम की वैल्यू 11 आ गई, और अगला लाइन भी एग्जीक्यूट होगी, तो नम इज इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10, यानी कि यहाँ देखिए नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नम हमारा कितना है देखिए 3 डिवाइडेड बाई 10, तो हमारे में क्या मिल जाएगा 0। अगेन जब हमारा ये लूप चेक होगा तो यहाँ पे कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, यानी कि 0 ग्रेटर देन 0, ये हमारी कंडीशन कितनी हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी, तो उसके बाद वो लूप में नहीं जाके बल्कि लूप के बाद सीधा लूप के बाहर जो स्टेटमेंट लिखी ये प्रिंट एफ वाली, देखिए मैंने एरो दिखाया है, यहाँ पे जंप कर जाएगा और जो भी हमारा जो भी लास्ट में सम आया होगा उसको प्रिंट कर देगा, और लास्ट में हमारा सम देखिए कितना आया है लास्ट में, ये देखिए ये लास्ट हमारा सम ये आया है, सम 11 आया है, तो यानी कि वो लास्ट में क्या 11 को प्रिंट कर देंगे, और हमारा डिजायर्ड आउटपुट भी कितना था, देखिए 11 ही था। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सटेंड को सब्सक्राइब करें।